देखिए, सबसे पहले तो मैं कानपुर देहात की जनता से अपील करता हूं कि जो कोरोना वायरस से संबंधित जो एक लॉकडाउन जनपद में चल रहा है, उसमें आप लोगों ने इस अभूतपूर्व स्थिति में अभूतपूर्व सहयोग प्रशासन का दिया है और आगे भी इस तरह का सहयोग चलता रहे, इसकी आपसे अपेक्षा है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ लोग जो जनपद में बाहर से आए हैं, इसी जनपद के रहने वाले हैं और वो अपने गाँव में वापस जा रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका मेडिकल टेस्ट करके गांव के ही पास पंचायत भवन और अन्य सरकारी बिल्डिंग्स में उनको ठहराया जा रहा है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसे लोग अगर बिना टेस्ट के और बिना उस अवधि के बिताए अगर गांव में सीधे चले जाएंगे तो न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पहुंचेगा। इसलिए मेरी अपील है ऐसे सभी लोगों से जिनको ग्राम प्रधानों ने या अन्य सरकारी अधिकारियों ने उनको ग्राम पंचायत या अन्य सरकारी भवनों में ठहराया हुआ है, वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त भोजन की और अन्य व्यवस्थाएँ करा दी गई हैं, इसलिए वो वहाँ उतनी अवधि के दौरान अवश्य रुकें। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया जाता है कि वह अपने बताए हुए स्थान से हटकर कहीं और चला जाता है या वहां से गायब हो जाता है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके न केवल फिर गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी।